जी अस्सलाम वालेकुम। मीरा साहब यो ठीक होंगे, सबके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबकी सेहत और रिस्क में इजाफा फरमाए। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके वे खास डिमांड है सर, आप सोसाइटी और रिस्पेक्ट के ऊपर लेक्चर दें। गो कि मेरा कुछ लेक्चर्स मुख्तलिफ अंदाज में मेरे पहले भी मौजूद हैं, लेकिन लेक्चर देने का मकसद यह है कि आपको माशरे की नाहवारियों से आगाह करना है और आपकी काबिलियत को आपके अंदर से निकालना है। आपको ये पावर कराना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सोसाइटी विक्टिमाइजेशन का शिकार ना हो। अभी मेरा छोटा सा लेक्चर है सोसाइटी और रिस्पेक्ट के बारे में, तो ये ध्यान से सुनिएगा और बीच में या काट काट के या एंड के ऊपर मेरे लेक्चर कतन मत सुनिएगा। इससे आप कोई नतीजा हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ इस सूरत में नतीजा हासिल कर सकते हैं कि आप मेरे तमाम लेक्चर ए टू जी सुने और बार बार सुने और हर एक तक पहुँचाएँ। ये स्टडी मटेरियल का भी हिस्सा बना सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का हिस्सा भी बना सकते हैं, और आप किसी से बहस मुबहसे में भी आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों में ये कामयाबी के लिए बहुत अच्छे लेसन है, मॉरल लेसन है। सुना करें अपने सीनियर्स को, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप गेन करें। तो अब मैं बकायदा लेक्चर की तरफ आता हूँ कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ पर रिस्पेक्ट लेवल एक्सपेक्ट करना सोसाइटी से ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, यहाँ एक बहुत लो लेवल के ऊपर होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये थ्री डायमेंशन के ऊपर हमारी गेम जारी होती है, एजुकेशन वर्सेस नॉन एजुकेशन, रिच वर्सेस पुअर, और एक पॉलिटिशियन और रिलीजन की एक जंग, और ऑलरेडी माशरे में बहुत सारा फसाद जारी रहता है जिसकी वजह से ये लोग अपने माशरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते या उनकी जहद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वो अपने अकीदे और मसलक के साथ जुड़े रहते हैं और उन्हीं से सब कुछ गेन करते हैं। सोसाइटी के लिए उनका कोई रोल नहीं होता और माशरा एक बनाना रिपब्लिक से बदतर मतलब वो लोग होता है कि जो लोग हैं वो गधे घोड़े जानवरों से भी बदतर होते हैं, जिनको जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफ्सी के ऊपर चलते हैं और उनको किसी का एहसास नहीं होता। तो बेचारा जो माशरे के विक्टिमाइजेशन होती है, तनकीद होती है, जैसे माशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाते लेकिन उनकी विल होती है कि हमारे एक्सपीरियंस से लोग मुस्तफ़ीद हो, यानी आने वाले बच्चों की आप प्यारी हो, उनको एक पेशेंस लेवल नहीं होता, एक्सेप्टेबिलिटी लेवल नहीं होता, माशरे में इन रिटर्न आपको हजीमत मिलती है। तो याद रखें कि ऐसे माशरे में लोग बहुत से नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ कंसर्न से हट जाते हैं, फोकस से हट जाते हैं, ज़िंदगी के बुनियादी जाविये से हट जाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की टेंशन और बीमारी में मुबतला हो जाते हैं। बजाय या ये है कि आप इम्पावर करें अपने जैसे उन स्टूडेंट्स को या नौजवानों को जो आपके साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं या कि वेव पैदा कर सकते हैं, आप वही गदों और घोड़ों के पीछे और जाहलों के पीछे अपनी ज़िंदगी सर्व करते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपने वोट्स बेच देते हैं, अपनी पावर बेच देते हैं, तो इन रिटर्न आपको भी टुड्डे और घूसे और बदतमीजी तदहीक और लान तान ही मिलेगी इन रिटर्न, क्योंकि आप भी सेम उसी क्राइटेरिया के ऊपर चल रहे हैं कि जैसे आप जैसे कि आपको सिखाया जाता है, या आपके लिए एक लस्ट या ख्वाहिशाती नफ्सी में सबसे ज़्यादा अहमियत उस दौलत की होती है जो आपको दिखाई जाती है उन एजेंट्स की तरफ से, उन गद्दारों की तरफ से, उन बेवफाओं की तरफ से, उन मुल्क गैर मुल्की लुटेरों की तरफ से जो अपना भेष बदलते हैं, बार बार आते हैं सिर्फ इस नाम से कि आपको हम फ्लरिश कर देंगे। हालांकि आप जानते भी हैं कि सारी की सारी जायदादें अगर बाहर बनाई हो, इंडस्ट्री का पैसा खाया हो, टैक्स खाया हो, चोरी के ऊपर चोरी की हो, अपनी अनाम में हमारी नस्लों को तबाह किया हो, मरवा दिया हो, तो वो आपको इन रिटर्न क्या देंगे? खुद खुदा का खौफ लें, नहीं तो ना आप नाकाबिले रहम लोग हैं, आप जैसी नेशन के ऊपर कोई रहम नहीं करेगा। तो अब मैं कंक्लूड करता हूँ गुफ्तगू का, एक तलह हकीकत है, तलह तजर्बा है जो मुझे दोबारा ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है, क्योंकि ये माशरे में बहुत सारे लोग इसी मसाइल से डसे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हेल्थ इश्यूज में, उनकी कोई हेल्प आउट नहीं करता, वो माशरे से रिटर्न क्या देंगे जब आपका सारे का सारा फंडिंग गवर्नमेंट इंप्लाई और उनके इदारे या ब्यूरोक्रेसी खा जाएंगे, आपको रिटर्न क्या मिलेगा? क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं, आपके बड़े जिम्मेदार हैं और आगे से आप भी मुजरम भर रहे हैं, आपके हाथ भी मतलब वही गुनाह कबीरा के आप सर दर्द हैं कि आप अपनी आने वाली नस्लों की तबाही और बर्बादी भी रहे हैं। अभी भी होश के नाह ना लिए तो ये सोसाइटी में जो चंद एक इंटेलेक्चुअल है वो भी भाग जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करे, सबके ऊपर रहम करे, हमें हदायत दे, और मेरे डिफरेंट लेक्चर में अगर कोई एक सोशल काज है, एक वेलफेयर काज है, उसके लिए आप हेल्प आउट करना चाहते हैं या
कोई बिजनेस के ऊपर लेक्चर लेना चाहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर लेना चाहता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर लेना चाहता है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर लेना चाहता है, ये किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके आपकी ज़िंदगी बदल सके या आपको बेहतर अच्छा रोज़गार मिल सके, तो ज़रूर मेरे से रब्ता कीजिएगा। दुआएं खैर कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको रिस्क बेशुमार दे, सेहत अच्छी दे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।